हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज हम दो कलर में बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा बिल्कुल अलग तरीके का डोरमैट बनाएंगे। ये देखिएगा, दो कलर में बहुत ही इजी बनने वाला डोरमैट है। ये आसानी से आप इसे बना लेंगे। तो इसे बनाने के लिए देखिएगा, जैसे मैंने ये शुरू से स्टार्ट किया था बिल्कुल मैं उसी तरह से आपको बनाऊँगी। ये मैंने एक दो तीन चार कली मैंने बना ली है पहले, और अब मैं ये पांचवी कली आपको बना करके दिखाऊंगी। जैसे मैंने इन कलियों को बनाया है उसी तरह से सेम इस कली को भी बनाकर मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे मैंने इसमें यहाँ पर देखिएगा, दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह फंदे मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग से डाले थे। 16 फंदे डालने के बाद देखिएगा, इस तरह से हम फर्स्ट रो निकाल लेंगे। फर्स्ट वाला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपनी तरफ करेंगे। ये मैंने पुरानी चुन्नी से बनाया है, आप इसे ऊन या मैक्रम से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, फंदे डालने के बाद एक सिलाई इधर से और एक सिलाई उधर से हम ग्रीन कलर से बना लेंगे। मैंने ग्रीन कलर से ही इसमें फंदे डाले थे। तो देखिएगा, इस तरह से हम इसे बनाएंगे। बिल्कुल जैसे मैंने स्टार्टिंग से इसे स्टार्ट किया था उसी तरह से फंदे डालने के बाद देखिएगा, इस पट्टी को पीछे ले लेंगे और इस फंदे को हम बनाएंगे नहीं, इस तरह से उतार लेंगे, क्योंकि अगली सिलाई में हमें सेकंड कलर लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हम सेकंड कलर ऐड करेंगे। तो इस तरह से इस फंदे को बना लेंगे। बनाने के बाद देखिएगा, इस ग्रीन को टाइट कर लेंगे ऐसे। दो तीन, इस पट्टी को साथ में इस तरह से लपेट लेंगे। चार, इस तरह से लपेटते हुए जाएंगे। पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह फंदे बना लिए। दो फंदे पीछे छोड़ देंगे और वापिस इनसे पलट जाएंगे। और यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वाला फंदा हम उतार लेंगे ऐसे, और पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, दो दो सिलाई में बन के आएगा हमारा ये जो डिजाइन है। देखिएगा, एक कलर से हमें दो सिलाई बुननी है, दो ग्रीन कलर से और दो पिंक कलर से। तो इस तरह से देखिएगा बना लेंगे, और लास्ट वाला फंदा इस तरह से उतार लेंगे पट्टी को पीछे करके। फिर देखिए, हम यहाँ पर ग्रीन कलर ऐड कर लेंगे। फर्स्ट वाला फंदा इस तरह से बनाएंगे ग्रीन कलर से, और देखिएगा दो, इसको टाइट कर लेंगे यहाँ पर। तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। दो फंदे पीछे छोड़ देंगे और वापिस यहीं से पलट जाएंगे। अब देखिएगा, सीधी सिलाई हमें पूरी सिलाई जो फंदे हैं ग्रीन कलर से इनको बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिएगा, अब पट्टी पीछे करेंगे और फर्स्ट वाला फंदा उतार लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर सेकंड कलर लगाएंगे। तो देखिएगा, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दो फंदे पीछे छोड़ेंगे और वापस यहीं से पलट जाएंगे। देखिएगा, फर्स्ट वाला फंदा इस तरह से उतार लेंगे, और सीधी साइड से जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिएगा, इस तरह से पट्टी पीछे करेंगे और फर्स्ट वाला फंदा उतार लेंगे।
इस फंदे को बगैर बुना उतारेंगे हम। और यहाँ पर देखिएगा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ फंदे बनाएंगे और वापस यहीं से पलट जाएंगे। फिर से देखिएगा, फर्स्ट वाला फंदा उतार लेंगे। फ्रेंड्स देखिएगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे प्यारे से डोरमेट हैं, बिल्कुल आसान तरीके के ये आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा इस तरह से हमने बनाया। अब हम यहाँ पर सेकेंड कलर लगा लेंगे। इस तरह से एक कलर से दो दो सिलाई बनाएंगे। तो देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और यहाँ पर दो फंदे छोड़ेंगे, वापस यहीं से पलट जाएंगे। बहुत ही आसान है इसे बनाना, बिगनर भी इसे आसानी से बना सकते हैं। देखिए जब आप बनाने लगेंगे तो आपको इस ये आसानी से समझ आ जाएगा। और बहुत जितना देखने में सुंदर है, बनाने में उससे कहीं ज़्यादा इजी है। तो देखिएगा इसी तरह से इसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिएगा सेकंड कलर लगा लेंगे, एक दो तीन चार, चार फंदे बनाए, वापस यहीं से पलट जाएंगे। ये देखिएगा जो धागे होते हैं ना, ये इस तरह से फंस जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सीधी साइड से फर्स्ट वाला फंदा इस तरह से उतार लेंगे ऐसे, और पट्टे पीछे करेंगे। इस फंदे को हर सिलाई में इस तरह से ही उतार लेना है। और यहाँ पर देखिएगा, अब हम सेकंड कलर लगा देंगे, एक और दो, दो फंदे पीछे छोड़ेंगे, वापस यहीं से पलट जाएंगे। इस फंदे को उतार लेंगे ऐसे, पट्टे को पीछे लेंगे और फिर फर्स्ट वाले फंदे को भी ऐसे उतारेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर हम सेकंड कलर लगाएंगे। ये हमारे दो दो करते हुए हमने 16 फंदे छोड़ लिए हैं। अब देखिएगा पूरी सिलाई हम ग्रीन कलर से बनाएंगे, जैसे हमने स्टार्ट किया था बिल्कुल उसी तरह से। तो यहाँ पर देखिएगा, जो दो दो करते हुए हमने फंदे छोड़े थे उन फंदों को भी हम साथ में बना लेंगे। इस तरह से लास्ट तक सभी फंदे बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये पुरानी चुन्नी का बहुत ही अच्छा सा यूज है और बहुत ही सुंदर से मैट बन के आते हैं। पुरानी चुन्नी हर घर में होती है तो उसका अच्छा सा यूज है। इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा आ गए हैं सीधी साइड। फर्स्ट वाले फंदे को इस तरह से उतारेंगे ऐसे, और पट्टी को अपनी तरफ ले लेंगे ऐसे। देखिएगा लास्ट तक उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। पट्टी पीछे करेंगे और फर्स्ट वाला फंदा ऐसे उतार लेंगे। अब देखिएगा इस तरह से, देखिएगा हमें यहाँ पर एक फंदा बढ़ाना है। तो फंदा बढ़ाने के लिए हम पट्टी को इस तरह से सिलाई के नीचे से घुमाएंगे और ऐसे बना लेंगे। अब हमें ग्रीन कलर से बनाना है, खाली ग्रीन कलर से बनाऊंगी मैं अब ये कली। तो इस तरह से देखिएगा, अगर आप इसमें और तीसरा कलर ऐड करना चाहते हैं तो तीसरा कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा
एक फंदा हमने आगे की साइड बढ़ा लिया है और दो फंदे पीछे की साइड छोड़ देंगे। इस तरह से देखिएगा, यहाँ पर अब हम फर्स्ट वाला फंदा उतारेंगे और पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे लास्ट वाला फंदा सीधा बना लेंगे। अब हम इस फंदे को सीधा बनाते हुए जाएंगे क्योंकि अब हमें एक ही कलर से इस गले को बनाकर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे। उसके लिए देखिएगा, इस तरह से हम पट्टी को घुमाएंगे सिलाई के नीचे से ऐसे, और यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लेंगे और देखिएगा इस तरह से, और इस पट्टी को साथ में लेते हुए जाएंगे क्योंकि आगे हमें इसी पट्टी से दोबारा फिर से बनाना है। तो यहाँ पर देखिएगा, और लास्ट में फिर से दो फंदे छोड़ देंगे। इसी तरह से दो दो फंदे पीछे की साइड छोड़ते जाएंगे और आगे की साइड एक एक फंदा बढ़ाते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर हम 16 फंदे छोड़ लेंगे और आगे की साइड फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिएगा, इस तरह से दो फंदे हमने छोड़े, वापस यहीं से पलट जाएंगे। इस तरह से देखिएगा, फर्स्ट वाला फंदा इस तरह से उतार लेंगे और इस पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखिएगा, मैं फंदे बढ़ा लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने फंदे बढ़ाने के बाद इस गले को बनाया। तो चलिए, बनाने के बाद थोड़ा सा फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, एक एक करते हुए मैंने यहाँ पर 8 फंदे बढ़ा लिए हैं और दो दो करते हुए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 फंदे मैंने यहाँ पर छोड़ लिए हैं। तो देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर एक फंदा घटाएंगे आगे की साइड, एक फंदा घटाएंगे और देखिएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात फंदे ये बनाएंगे और दो फंदे आगे से ले लेंगे और वापस यहीं से पलट जाएंगे। अब हमें दो दो फंदे साथ में लेते हुए चलना है। तो यहाँ पर देखिएगा, सीधी सिलाई में इस तरह से पूरी सिलाई सीधा सीधा बन उल्टा उल्टा बनकर कंप्लीट करेंगे। और लास्ट वाला फंदा ऐसे सीधा बना लेंगे। अब देखिएगा, एक फंदा फिर से घटाएंगे, ऐसे फंदा घटाएंगे और देखिएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8 दो फंदे आगे से ले लेंगे, एक और दो, वापिस यहीं से पलट जाएंगे। सीधी साइड से पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इधर से हमें कोई भी फंदा घटाना या बढ़ाना नहीं है। तो इस तरह से देखिएगा, पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। लास्ट वाला फंदा सीधा बनाएंगे पट्टी को पीछे की तरफ कर। फिर से देखिएगा, दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे और देखिएगा 1, 2, 3, 4 और इस पट्टी को देखिएगा साथ में इस तरह से लेते हुए चलेंगे क्योंकि आगे हमें इसी पट्टी से बनाना है। तो देखिएगा, दो फंदे फिर से ले लेंगे आगे से, इसी तरह से दो दो फंदे आगे की तरफ से लेते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट फंदा उतारेंगे, पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट वाला फंदा
सीधा बना लेंगे। एक फंदा, दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे। देखिएगा पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट वाला फंदा सीधा बना लेंगे। और यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट वाला फंदा, दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे। यहाँ पर ये देखिए हमने यहाँ पर दो दो करते हुए फंदे घटाए हैं, तो यहाँ पर देखिएगा कितने फंदे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 हमने इसमें 16 फंदे डाले थे, तो हम एक फंदा और घटाएंगे। दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे और इस पिंक वाली पट्टी को साथ में ऊपर की तरफ लेते हुए जाएंगे। तो देखिएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और दो फंदे आगे से ले लेंगे, ये 15 और 16। पूरे जो हमने 16 फंदे डाले थे उसी तरह से, तो देखिएगा दो दो करते हुए हमने फंदे ले लिए हैं, तो 16 के 16 फंदे हमारे, जैसे हमने यहाँ पर 16 फंदे डाले थे बिल्कुल उसी तरह से 16 फंदे रह गए। यहाँ पर देखिएगा दो दो फंदे पीछे की साइड छोड़ते गए और एक एक फंदा आगे की साइड बढ़ाते हुए गए। फिर हमने यहाँ पर एक एक फंदा इस साइड घटाया और दो दो फंदे साथ में लेते हुए चले, तो 16 के 16 फंदे हमने साथ में ले लिए। अब देखिएगा फर्स्ट वाला फंदा उतार लेंगे, पट्टी को अपनी तरफ ले लेंगे इस तरह से, और देखिएगा पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे इस तरह से। देखिएगा पूरी सिलाई उल्टे उल्टे बुन लेंगे। इस तरह से लास्ट वाला फंदा सीधा बना लेंगे इस तरह से, देखिए ऐसे। और अब हमें फिर क्या करना है, ये वाले जैसे हमने ये बनाया था इसी तरह से हम बनाते हुए जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर इस वाले फंदे को देखिएगा बनाएंगे नहीं, इसी तरह से उतार लेंगे। और अब हम यहाँ पर सेकंड कलर ऐड कर लेंगे, जो हमने ये वाली कली बनाई थी अब हम इन कलियों को बनाएंगे, उसके बाद फिर हम कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट वाला फंदा बनाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह। चौदह फंदे बनाए, दो फंदे पीछे की साइड छोड़ देंगे और वापस यहीं से पलट जाएंगे। तो अब इसी तरह से हम इसको पूरी को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मैं कंप्लीट करने के बाद आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिएगा इस तरह से, जैसे हमने ये कली बनाई थी और बीच में ये कली मैंने आपको बना करके दिखाई थी, बिल्कुल अलग से शेप में। और फिर मैंने पांच कली ये बनाई, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच कली मैंने ये बनाकर कंप्लीट कर ली। अब देखिए इस तरह से हम इसकी यहाँ पर सिलाई कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक। इन फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। वो फंदे बाइंड ऑफ किस तरह से करते हैं ये देखिएगा। दो फंदे लिए और दो फंदे का एक फंदा बना देंगे, फिर से दो फंदे लिए, दो फंदे का एक फंदा बना देंगे। इस तरह से दो फंदे लिए और दो फंदे का एक फंदा बना देंगे। दो फंदे, इस फंदे को वापस इसी नीडल्स में डाल देंगे, दो का एक बना देंगे, वापस इसी नीडल्स में डाल लेंगे, दो फंदे का एक फंदा बना देंगे, वापस इसी नीडल्स में डालेंगे, दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे, वापस डालेंगे, एक बना देंगे। इस तरह से दो फंदे का एक फंदा बना देंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पर इस पट्टी को फोल्ड कर लेंगे अंदर की साइड, और यहाँ पर देखिएगा दो का एक, वापिस इसी नीडल्स में डालेंगे, फिर से दो का एक बना देंगे, वापिस इसी नीडल्स में डालेंगे, दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे, वापिस इसी नीडल्स में डालेंगे, दो फंदे का एक फंदा बना देंगे, वापिस इसी नीडल्स में डालेंगे, दो फंदे का एक फंदा बना देंगे, वापिस इसी नीडल्स में डालेंगे, दो फंदे का एक फंदा बना देंगे। तो देखिएगा इसी तरह से हमने इस पूरे डोरमेट को कंप्लीट किया है। इस तरह से देखिए, इस तरह से ये बिल्कुल ही अलग तरीके का डोरमेट डिजाइन है और जितना देखने में सुंदर है बनाने में उससे कहीं ज्यादा इजी है। यहाँ से हम यहाँ तक इसकी सिलाई कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए मैंने यहाँ पर पिंक कलर से बाइंड ऑफ किया है क्योंकि हमने ग्रीन वाली पट्टी यहाँ पर ले रखी है, जो फंदे डाले थे और उसके बाद जो दो सिलाइयाँ बनाई थी। तो देखिएगा कितना प्यारा सा ये हमारा डोरमेट बन के आया है। इसे आप जितना मर्जी बड़ा बनाना चाहें बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए देखिएगा यहाँ पर मैंने 16 फंदे से इसे बनाया है। आप इसे जितना मर्जी बड़ा बनाना चाहें उसी हिसाब से फंदे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच के। कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको प्यारा सा डोरमेट कैसा लगा। तो देखिएगा इस तरह से बन के आया है।